हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। हाँ जी, CBDT ने कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2022, हाँ जी, कब इशू किए हैं? 11th of May 2022 को। क्यों इशू किए हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अब 148 के जो केसेस हैं वो कैसे डिसाइड होने हैं, उनका क्या प्रोसीजर होगा, कौन से असेसमेंट ईयर के जो नोटिसेज हैं वो अभी भी वैलिड रहेंगे, कौन से असेसमेंट ईयर के नोटिसेज जो हैं वो अभी भी जो है वो इनवैलिड रहेंगे इवन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 50 लाख रुपीज़ और मोर से ज़्यादा का टैक्स इविजन है तो वो नोटिस एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर से रिलेट करता है तो वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, बिकॉज नाउ वी हैव ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विद अस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने भी इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के लिए। हाँ जी, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के ऊपर बाइंडिंग है, ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना फॉर द डिस्पोजल ऑफ 148 केसेस। हाँ जी, देखते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने क्या इंस्ट्रक्शंस जो है वो इशू किए हैं। इंस्ट्रक्शंस का सब्जेक्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड 4th May 2022। हाँ जी, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है उससे रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शंस हैं। कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज आशीष अग्रवाल। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या है कि जो 148 के नोटिसेज हैं उनको 148A के नोटिसेज मान लिया जाएगा, आर्टिकल 142 की पावर को यूज़ करते हुए, आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पावर को यूज़ करते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर हमें दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में कहती हैं कि 148 के नोटिस 148A मान लिए जाएं, 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो असेसिंग ऑफिसर असेसी को इन्फॉर्मेशन मटेरियल जो भी चीज़ें उसने यूज़ की है असेसमेंट को ओपन करने के लिए 148A के नोटिस को इशू करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर दे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। उसके बाद असेसी को 2 वीक्स का टाइम दिया गया था कि असेसी उस 2 वीक्स के समय के दौरान जो है वो असेसिंग ऑफिसर को रिप्लाई कर दे। उसके बाद रिप्लाई कंसिडर करने के बाद अगर AO को फिर भी लगता है कि मेरे को 148 का नोटिस इशू करना है तो वो ऑर्डर पास करके 148 का नोटिस जो है वो इशू कर सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जजमेंट हमें दिया था। अब इस जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है उसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ये इंस्ट्रक्शंस जो है इशू किए हैं 11th of May 2022 को। हाँ जी, तो ये तो सारा जिस्ट है जजमेंट का जो मैंने अभी आपको बताया। स्कोप ऑफ जजमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारा कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रहा था कि सर स्कोप ऑफ जजमेंट क्या होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि सर जिन लोगों ने रिट पिटीशन फाइल नहीं की थी उनका क्या होगा, क्या उनके ऊपर भी ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। हाँ जी, ये इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है। देखते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या कहते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस पैराग्राफ इट इज क्लैरिफाइड दैट द जजमेंट अप्लाइज टू ऑल द केसेस वेयर एक्सटेंडेड रीअसेसमेंट नोटिसेस हैव बीन इशूड। दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर सच नोटिस हैव बीन चैलेंज्ड और नॉट। दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट सच नोटिस हैव बीन चैलेंज्ड और नॉट इन द रिट पिटीशन बिफोर हाई कोर्ट। तो यहाँ पे जो है ये जो जजमेंट है इसके जो डायरेक्शंस हैं और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये सारे केसेस पे एप्लीकेबल होंगे जहाँ पे नोटिस चैलेंज हुआ है, और जहाँ पे नोटिस चैलेंज नहीं भी हुआ है वहाँ पे जो है ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ऑपरेशन ऑफ न्यू सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट टू आइडेंटिफाई केसेज वेयर फ्रेश नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट 148 ऑफ द एक्ट कैन बी इशूड। हाँ जी, अब सेक्शन 149 जो है ना, सेक्शन 149 हमें क्या देता है, टाइम लिमिट बताता है कि इस समय के दौरान जो है आपको 148 का नोटिस इशू कर देना है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर में ये भी लिखा था कि साहब असेसी के पास भी सारी रेमेडी अवेलेबल होंगी और डिपार्टमेंटल ऑफिसर के पास भी जो है वो सारी रेमेडीज अपने आपको डिफेंड करने के लिए, दोनों पार्टीज अपनी अपनी रेमेडीज़ को जो लॉ में मौजूद हैं उनको वो यूज़ कर सकते हैं। अब सेक्शन 149 जो है उस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि साहब 149 की कंप्लायंस जो है वो डिपार्टमेंट को
करनी पड़ेगी एज पर न्यू लॉ, एज पर द अमेंडेड लॉ जो फाइनेंस एक्ट 2021 में जो है हमारे पास आया था। तो सेक्शन 149 जो है वो टाइम लिमिट बताता है फॉर रीओपनिंग ऑफ द असेसमेंट। टाइम लिमिट ये है कि अगर टैक्स इवेजन 50 लाख और मोर का है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, तो उस केस में 10 ईयर्स तक के जो है वो केसेस ओपन किए जा सकते हैं। अगर एस्केपमेंट जो है वो इनकम का एस्केपमेंट 50 लाख रुपीस से कम का है तो 3 साल तक के केसेस जो है वो ओपन किए जा सकते हैं, ये बताता है हमें सेक्शन 149। अच्छा, सेक्शन 149 ये भी कहता है कि साहब जो केस पुराने वाले विदाउट अमेंडमेंट, जो फाइनेंस एक्ट 2021 के पहले का जो लॉ था उसमें अगर कोई केस ऐसा है जो ओपन नहीं हो सकता, तो साहब वो नए वाली जो स्कीम है, नया वाला जो असेसमेंट का प्रोसीजर है वो वहाँ पर भी ओपन नहीं होगा, ये भी कहता है सेक्शन 149। तो इसकी वजह से जो है वो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, स्पेशली फॉर द असेसमेंट ईयर 13, 14, 15 एंड 16 के साथ। इन सालों का क्या होगा अगर एस्केपमेंट जो है वो 50 लाख से कम का है, तो इन सालों में क्या करेंगे, क्या ये नोटिस अभी भी वैलिड रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, या फिर ये नोटिस जो है वो इनवैलिड हो चुके हैं। तो देखते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या कहते हैं इस बारे में। फ्रेश नोटिस अंडर सेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट असेसमेंट ईयर 13, 14, 15 एंड 16 जो हमें इंस्ट्रक्शंस बताते हैं। फ्रेश नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट कैन बी इशूड इन दीज केसेस विद द अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। हाँ जी, जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी है अप्रूवल की, जो कि हमें बताता है सेक्शन 151, वो लेके ओनली इफ, कब ओपन होंगे साहब, ओनली इफ दीज केसेस फॉल्स अंडर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 149। अब मैं आपको ले चलता हूं क्लॉज बी सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 149 पे। तो साहब ये जो है वो कहता है ये वाला पार्ट, हाँ जी, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी जो है वो कहता है कि साहब 10 ईयर्स की जो है वो टाइम लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी अगर इनकम है विच इज़ चार्जेबल टू टैक्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट एंड एस्केपमेंट अमाउंट इज लाइकली टू अमाउंट टू 50 लाख रुपीज़ और मोर फॉर दैट ईयर। हाँ जी, तो 10 ईयर्स की टाइम लिमिट कब एप्लीकेबल होगी, जहाँ पे एस्केपमेंट जो है वो 50 लाख या उससे ज़्यादा का है, ये कहता है सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। अब वापस से चलते हैं इंस्ट्रक्शंस के इस वाले पार्ट पे। इंस्ट्रक्शंस के ये वाले पार्ट कहते हैं कि असेसमेंट ईयर 13, 14, 15, 16 का जो मैटर है वो अभी भी वैलिड है, प्रोवाइडेड ये उस वाले 50 लाख रुपीज़ वाले क्लॉज में फॉल होगा। तो देखते हैं, स्पेसिफाइड अथॉरिटी शैल बी अथॉरिटी प्रिस्क्राइब अंडर 2 ऑफ दैट सेक्शन, यस। तो 13, 14, 15, 16 के नोटिस वैलिड तभी हैं जहाँ पे एस्केपमेंट जो है वो 50 लाख या उससे ज़्यादा का है। अगर असेसमेंट ईयर 13, 14, 15, 16 में एस्केपमेंट 50 लाख से कम का है तो अब ये नोटिस जो है वो इनवैलिड हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट असेसमेंट ईयर्स की, असेसमेंट ईयर 16-17 और असेसमेंट ईयर 17-18। हाँ जी, ये जो नोटिस हैं ये वैलिड रहेंगे चाहे एस्केपमेंट 50 लाख का हो, उससे ज़्यादा का हो या उससे कम का हो। ये इस ईयर के जो नोटिसेस हैं, इन ईयर्स के जो नोटिसेस हैं, ये जो है वो वैलिड रहने वाले हैं। अगर 50 लाख से कम का एस्केपमेंट है तो असेसमेंट ईयर 13, 14, 15 और 15-16 के नोटिसेस जो हैं वो वैलिड नहीं हैं। हाँ जी, अब जो नोटिसेस वैलिड नहीं है, मतलब कि असेसमेंट ईयर 13, 14, 15 और 15-16 के, उनके मैटर जो है वो कैसे डिस्पोज होंगे, ये भी इंस्ट्रक्शन हमें बताते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड दैट इन्फॉर्मेशन मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड टू इन ऑल द केसेज विद इन 30 डेज। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साहब सारे केसेज में आप विद इन 30 डेज के टाइम लिमिट के अंदर अंदर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मटेरियल जो है वो एसएससी को दे दीजिए। तो यहाँ पे जो केसेस असेसमेंट ईयर 13, 14, 15 और 15-16 के हैं और जहाँ पे एस्केपमेंट 50 लाख से कम का है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी है, देखते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या कहते हैं। इफ द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इन दैट फॉर दैट ईयर अमाउंट और लाइकली टू बी अमाउंट टू लेस देन 50 लाख रुपीज, हैंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑफ द एसएससी। अब यहाँ पे जो है वो केस रीओपन तो होना नहीं है, तो एसएससी की कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए ये क्लैरिफाई किया जाता है कि मटेरियल और इन्फॉर्मेशन जो है वो डिपार्टमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15 और 15-16 के, वहाँ पे जहाँ पे एस्केपमेंट 50 लाख रुपए से कम का है।
यस, इसके लिए इन केसेस हम इंस्ट्रक्शंस, हम इंफॉर्मेशन जो है आपको नहीं देंगे 13, 14, 15 और 15, 16 की, जहां पे एस्केप एंड 50 लाख से कम का है तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, तो आपको उसका रिप्लाई भी नहीं करना है। मतलब कि ये मान लीजिए कि आपका केस जो है वो एज इट इज ड्रॉप कर दिया है डिपार्टमेंट ने, राइट, तो उसके डिस्पोजल के लिए सेपरेट इंस्ट्रक्शन जो है वो सीबीडीटी हमें देगा कि ये वाले जो केसेस हैं वो किस तरीके से डिस्पोज किए जाने हैं। इसके लिए हमारे पास अभी कुछ टाइम में सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, राइट। अभी प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय असेसिंग ऑफिसर टू कंप्लाई विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, अभी क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो भी देखते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साहब जो भी 148 के नोटिस थे वो मान लिया जाएगा कि वो काय के नोटिस है, 148 ए के नोटिस शैल बी डीम टू हैव बीन कंप्लाइड विद, तो 148 तो हो गया साहब कंप्लाई, राइट। अभी यहाँ पे वो केसेस जो है वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे जो अभी हमने डिस्कस किए, जहाँ पे एस्केपमेंट 50 लाख से कम का है, असेसमेंट 13, 14, 14, 15 और 15, 16। अभी विद इन 30 days, दैट इज 2 June 2022 इज द डेट, 2 June 2022 तक जो है वो असेसिंग ऑफिसर को, 2 June 2022 इज द डेट, इस डेट तक असेसिंग ऑफिसर को जो है वो असेसी को इन्फॉर्मेशन दे देनी है कि साहब मैंने इस इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करके आपको नोटिस इशू किया था। असेसी के पास 2 वीक का टाइम रहेगा अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए, जो भी उसको सबमिशन देने हैं वो दे सकता है, अगर नहीं देता है तो भी ऑर्डर पास कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स ऑफ द केस। अगर एओ को लगता है तो वो रिप्लाई कंसिडर करके कि मेरे को ये केस रीओपन करना है, तो सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो वापस से इशू कर सकता है। अगर उसको लगता है दैट दिस इज़ नॉट द फिट केस, तो वहाँ पे जो है वो केस जो है वो डिस्पोज किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो है दोनों पार्टीज़ के पास जो है अपने अपने डिफेंस अवेलेबल हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो आपको रिप्लाई देते वक्त अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप असेसिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स, दैट हैज़ टू बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स, एडिशनल टाइम में भी एक्सटेंडेड बाय द असेसिंग ऑफिसर। अगर आपका कोई जेन्यून रीज़न है, आप एडजॉर्नमेंट लेना चाहते हैं, ज़्यादा समय आप लेना चाहते हैं रिप्लाई फाइल करने के लिए, तो वो आप समय ले सकते हैं, असेसिंग ऑफिसर जो है वो आपको समय दे देंगे। रिप्लाई मिलने के बाद असेसिंग ऑफिसर शैल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द रिप्लाई ऑफ द असेसी दैट वेदर इट इज़ अ फिट केस ऑफ सेक्शन 148 और नॉट। अगर उनको लगता है दैट इट इज़ अ फिट केस तो आपको 148 का नोटिस दे देंगे और असेसमेंट प्रोसीडिंग जो है वो नॉर्मल कोर्स में जिस तरीके से चलती हैं वो उस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ जी, तो इंस्ट्रक्शंस का ये था एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। इफ़ इट इज़ नॉट अ फिट केस, अगर ये भी डिस्कस कर लेते हैं, इफ़ इट इज़ नॉट अ फिट केस टू बी इशूड फॉर सेक्शन 148 इट इज़ द ऑर्डर पास अंडर क्लॉज बी ऑफ 148 टू दैट अफेक्ट शैल बी सर्व टू द असेसी, तो ऑर्डर पास करके आप बता देते हैं, बता डिपार्टमेंटल ऑफिसर जो है वो असेसी को बता देगा दैट इट इज़ नॉट अ फिट केस, सो द अकॉर्डिंगली ऑर्डर हैज़ टू बी पास्ड। सो इट वॉज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इशूड ऑन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर असेसमेंट ऑफ सेक्शन 148 केसेस आफ्टर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नाउ वी हैव विद अस। हाँ जी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इफ़ यू रियली वांट टू हैव द कॉपी ऑफ दीज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इंस्ट्रक्शंस, देन यू कैन हैव इट जस्ट बाय कमेंटिंग योर ईमेल आईडी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद लॉट मैनी पीपल सो दैट दे गेट टू नो दैट वेदर देयर नोटिसेस आर वैलिड और नॉट वैलिड, राइट, ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। और अगर आपकी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल कीप कमिंग विद लॉट ऑफ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स अ लॉट, बाय।